नमस्कार, रीनास फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पनीर की सब्जी बनाई हूँ, जो रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है, जिसे आप ट्रेवल के वक्त ले जा सकते हैं या टिफिन में पैक करके दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। इसे जब मैंने पहली बार घर में बनाया था, सबको बहुत ही पसंद आया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ भी शेयर कर लूं और आप भी बना सकें। ये पनीर की सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है और अच्छी भी लगती है। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे पक्का सब्सक्राइब कर ले। यकीन मानिए, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी जब कभी भी आप इसे बनाएंगे। हमारे घर में ये फेवरेट रेसिपी हो गई है। घर की रखी चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं, और कभी कुछ समझ में नहीं आए तो ये रेसिपी आप पक्का बना लें तो बहुत ही अच्छा लगेगा सभी को। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है। तलने के बाद आप तेल निकाल दें एक्स्ट्रा, उस कढ़ाई में बनाएं, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। श्रद्धानुसार आप बटर या तेल ले सकते हैं। एक चम्मच जीरा, क्रश किया हुआ लहसुन, इसे अच्छी तरह से भून लें जिससे कच्चापन चला जाएगा। लंबा कटा हुआ इसमें मिर्च डाल दें, इन्हें भूने। एक प्याज को डालें जो मोटा कटा होना चाहिए। 3-4 मिनट के लिए प्याज को भूने। अब इसमें 2 टमाटर कटे हुए डाल दें। आप टमाटर का भी पेस्ट ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लें और स्वादानुसार नमक डालें। अच्छी तरह से मिला करके टमाटर को पकाएं। कोशिश करें आप इसे ढक करके पकाएं और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। 4 मिनट के बाद आप इसमें कटे हुए शिमला मिर्च डालें। 2 मिनट के लिए इन्हें भूने हाई फ्लेम करके। इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है। यदि आपके पास रेड और येलो बेल पेपर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सब्जी देखने में भी सुंदर लगती है और अच्छा भी लगता है टेस्ट को। अब इसे ढक करके पकाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाएं नहीं, जिससे शिमला मिर्च का कलर ग्रीन रिटेन रहेगा। अब इस स्टेज में पनीर डालें। होममेड पनीर है। इसे 2-3 मिनट के लिए भूनें और सब्जियों को चिपकने ना दें। क्योंकि चिकनी कढ़ाई है इसलिए सब्जी चिपकती है नहीं। यदि चिपकने लगे तो चम्मच की मदद से आप इसे अलग कर लें, या फिर पानी का छींटा लगा करके आप पका सकते हैं। इसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट के लिए आपको बता रही थी, जिससे सब्जी बहुत ही अच्छी बन जाती है। 2 बॉयल्ड आलू को कट करके डालें। इसे अच्छी तरह से मिला लें। 3-4 मिनट के लिए इन्हें भूनें, ढक करके और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए सब्जी भून गई है। 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दें। सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसमें मैगी मैजिक मसाला डालें और स्वादानुसार काश्मीरी लाल मिर्च। फिर गैस ऑन करके इन्हें 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनें। मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, सब्जी भी भून गई है। अब 1 चम्मच इसमें पानी डाल दें, जिससे सारे मसाले इसमें चिपक जाएंगे। गैस ऑफ कर दें, ढक्कन लगा दें। सर्विंग बाउल में निकालें और पनीर को ग्रेट करें। ऊपर से धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर दें। यकीन मानिए, सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा है। आप इसे रोटी पराठे या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। कैमरे को मूव करके मैं आपको सब्जी दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्जी लग रही है और अच्छी भी लग रही है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।